जय हिंद साथियों, मैं प्रोफेसर नईम अख्तर इंजीनियर। आज हम बात करेंगे 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पांडिचेरी शामिल हैं। आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव के बारे में। असम में 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिली थी, असम गण परिषद एजीपी को 14 सीटें मिली थी, बोडोलैंड पीपल फ्रंट को 12 सीटें मिली थी और अगर हम इन तीनों सीटों को ऐड करते हैं तो ये फिगर हो जाती है 86। असम में बहुमत का आंकड़ा है 64 सीटें, क्योंकि वहां पर विधानसभा की टोटल सीटें हैं 136। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को 26 सीटों पर कामयाबी मिली। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF ने चुनाव लड़ा और उन्हें 14 सीटों पर कामयाबी मिली। अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक 41% मत मिले, जिनमें पूरा एनडीए शामिल है, माफ कीजिएगा, पूरे एनडीए को 41% मत मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 31% मत हासिल हुआ और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को 13% मत हासिल हुआ। अब चुनाव सामने है, कांग्रेस पार्टी ने AIUDF से गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन में 6 दल शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस, AIUDF, CPI, CPIM, CPIML और अंचालिक गना मोर्चा। ये 6 पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी, यानी यहां पर जो लड़ाई होगी वो दो प्रमुख अलायंस में होगी। एक तरफ होगा एनडीए, दूसरी तरफ होगा यूपीए। अब हम बात करते हैं इस गठबंधन में जो AIUDF शामिल हुई है यूपीए में, उसके बारे में। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2006 में AIUDF पार्टी का गठन किया और असम इलेक्शन में हिस्सा लिया। पहली मर्तबा चुनाव में उन्होंने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद 2011 में AIUDF ने 18 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 2016 में जब असम में पहली बार मोदी वेव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी बदरुद्दीन अजमल अपनी 14 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। आज चर्चा का विषय AIUDF और कांग्रेस के अलायंस में हर जगह हो रहा है। पिछले चुनाव में 2016 में 27 सीटें ऐसी थी जहां पर AIUDF और कांग्रेस के वोट बटने की वजह से एनडीए ने उन सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और AIUDF के करीब आने से जो यहां का सियासी समीकरण है वो काफी बदल गया है। अब हम बात करते हैं ओपिनियन पोल की। ओपिनियन पोल में जो हमने सर्वे किया है या हमारे पास जो सोर्सेस हैं उसके थ्रू जो हमने इसे किया है, हमारे सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 42 सीटें, 126 में 42 सीटों पर एनडीए को मिलने के आसार है। वहीं अगर बात करें यूपीए की, यूपीए को 80 सीटें, जी हां 80 सीटें मिलने की उम्मीद है। छोटे दल और इंडिपेंडेंट्स को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं वोट शेयर का। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 41% मत, 41% मत मिलने की उम्मीद है और यूपीए जिनमें कांग्रेस, AIUDF, सीपीआई, CPIML, अंचालिक गणा मोर्चा शामिल हैं, उन्हें 44%
यानी 44% मत मिलने की उम्मीद है। तो ये था हमारा वीडियो असम इलेक्शन के बारे में। आपको कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर हम दूसरे राज्य के चुनाव के सर्वे और ओपिनियन पोल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।